सो गाइस, रियलमी ने काफ़ी टाइम पहले अपने रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि नो डाउट काफ़ी ग्रेट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। बट अब मोटरोला इंडियन मार्केट में अपने मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, एंड ये भी आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में हम मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन को रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं, एंड वीडियो के एंड में आप डेफिनेटली श्योर हो जाओगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज नहीं करना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बट उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो देट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करें तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में 19,999 की स्टार्टिंग प्राइस के साथ देखने को मिलता है, बट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन आपको इंडिया में 21,499 की स्टार्टिंग प्राइस के साथ देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल आपको इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट फीचर वाइज डिफरेंसेस की बात करें तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन 6.43 इंचेस की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, बट इसमें आपको हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट नहीं दी गई है, बिकॉज फ्रेंड्स इसमें आपको 60Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, लेकिन मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन में हमें 6.7 इंचेस की काफी बड़ी फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, और इसमें हमें 90Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, बिकॉज इसमें हमें 10-bit कलर वाले डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल फ्रेंड्स डिस्प्ले वाले सेक्शन में मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन ज्यादा बेटर रहता है, सो यहां पर एक पॉइंट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन को मिलता है। सॉफ्टवेयर बेसिस पर बात करें तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन हमें एंड्रॉइड 11 बेस्ड रियलमी UI 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है और इसमें हमें स्टॉक एंड्रॉइड का इमर्सिव एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स आपको इन दोनों स्मार्टफोन में UI आपको काफी बेटर देखने को मिल जाती है, सो यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन को इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस प्रोसेसर टाइप्स की बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दोनों ही स्मार्टफोन हमें सिमिलर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे, एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U एक 7nm का प्रोसेसर है, सो बैटरी एफिशिएंसी आपको इन दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर देखने को मिलेगी, एंड इस चिपसेट का बेंचमार्क स्कोर हमें 3,50,000 के अराउंड देखने को मिलता है, सो परफॉर्मेंस भी आपको इन दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर देखने को मिलने वाली है, सो यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन को इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं। स्टोरेज ऑप्शंस की बात की जाए तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन हमें 6128GB 8128GB रैम रोम के 2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, बट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन का हमें ग्लोबल वेरियंट 8128GB के सिंगल ऑप्शन के साथ देखने को मिला था, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया में हमें इसका 6128GB वाला वेरियंट भी देखने को मिलेगा, सो इस सेक्शन में इन दोनों स्मार्टफोन को यहाँ पर सिमिलर पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड अब गाइस रियर साइड कैमरास के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन हमें 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा के सेटअप के साथ देखने को मिलता है, बट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन हमें 108+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। सो नो डाउट आपको कैमरा क्वालिटी मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है, और इससे आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर पाओगे, बट फ्रेंड्स आप इन दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 4K 30fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और दोनों ही स्मार्टफोन में हमें OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है। सो ओवरऑल हमें मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन में ग्रेट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, सो इस सेक्शन में एक पॉइंट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन को मिलता है। यहीं पर अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन में हमें 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, बट इसके अगेंस्ट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन में हमें 32MP का सेल्फी स्नैपर दिया गया है, सो यहां पर भी मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन को अगेन एक पॉइंट मिल जाता है। और गाइस बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग कैपेसिटी को लेकर डिस्कस करें तो रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन में हमें 4310mAh की डिसेंट बैटरी दी गई है, बट इसे रियलमी ने अपनी 50W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी से कवर अप कर दिया है, एंड 50W की सुपरडार चार्जिंग के साथ रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन 18 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है, लेकिन मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें हमें बैटरी तो काफी बड़ी 5000mAh की देखने को मिलती है, बट चार्जिंग कैपेसिटी 30W की ही दी गई है, जो कि फ्रेंड्स रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन के कंपेयर में काफी कम है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स हमें एक स्मार्टफोन के साथ चार्जिंग टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, एंड एक स्मार्टफोन में हमें बैटरी कैपेसिटी ज्यादा दी गई है, सो यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन को सेम पॉइंट्स मिलते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइज रियलमी एक्स एन 5G स्मार्टफोन में हमें 3.5mm हेडफोन जैक नहीं दिया गया है, बट मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड कंक्लूजन क्या है इसके बारे में बात करें तो इस कंपैरिजन वीडियो में मोटो एच 20 फ्यूजन स्मार्टफोन क्लियर विनर रहता है, लेकिन मेरा ये भी मतलब नहीं
नहीं है कि रियलमी X7 5G स्मार्टफोन एक बुरा स्मार्टफोन है, बट इसे मोटो एस 20 फ्यूजन स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो मोटो एस 20 फ्यूजन स्मार्टफोन ग्रेट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। एंड अगर आपको 22,000 के बजट में कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना था तो आपके लिए मोटो एस 20 फ्यूजन स्मार्टफोन आइडियल चॉइस हो सकती है। सो यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।